हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा आप अपने बैकग्राउंड्स में SDRI मैप्स को कैसे लगा सकते हैं। सो हेलो गाइस, दिस इज दीपांशु एंड लेट्स गेट टू वर्क। तो यहाँ पर मैंने एक रेजिडेंस ये फाइल ओपन की हुई है इसमें, और ये मैंने 3D वेयरहाउस से डाउनलोड किया हुआ रेजिडेंस। अभी सिंपली मैंने इसमें सिर्फ कुछ नहीं किया है, अपनी फाइल में इस रेजिडेंस को लेके आया हूँ। मैं क्या करता हूँ, वीरे एसेट एडिटर खोलता हूँ। सबसे पहले ये मेरा ओपन हो गया है। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे लाइट्स। इसमें क्या है, अभी सिर्फ सनलाइट ऐड है, ठीक है, जो कि हमारी बाय डिफ़ॉल्ट होती है। मैं एक इंटरेक्टिव रेंडर स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, मेरा इंटरेक्टिव रेंडर भी स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसमें है, अभी मेरी सन की आप डायरेक्शन देख सकते हैं, सन शेडोज़ वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। अभी ये रियलिस्टिक इफ़ेक्ट नहीं देती, ये क्या है, आपको एक बेसिक सी सनलाइट दे देती है। अभी आप बैकग्राउंड में देखेंगे वहाँ भी कुछ भी नहीं है। तो यही चीज़ को ऐड करने के लिए, एक रियलिस्टिक इफ़ेक्ट देने के लिए अपने एक्सटीरियर में ये SDRI मैप्स का यूज़ करते हैं। एक्चुअली इंटीरियर्स में भी होता है, मैं आपको अभी एक्सटीरियर का बताऊंगा। और इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ये मैं मिनिमाइज़ करूंगा, और इसमें आपको ये दिखेगा वीरे की डोम लाइट। मैंने क्लिक किया, मैं अपना इंटरेक्टिव रेंडर भी स्टॉप कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और डोम लाइट ली, आप ये देख सकते हैं हमारी ये डोम लाइट आ जाएगी। मैंने क्लिक किया यहाँ पर और ये हमारी प्लेस हो गई है डोम लाइट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये एक्चुअली है क्या। इसमें आप देख सकते हैं ये एक एरो दिखा रखा है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डिफ़ाइन करता है नॉर्थ। एक तरह से नॉर्थ हमारा कई बार SDRI मैप्स का मैच भी करता है इस एरो से, और कई बार नहीं भी करता है। वैसे ऑलमोस्ट केसेस में मैच कर जाता है हमारा नॉर्थ। तो अगर मैं नॉर्थ को इस साइड रखता हूँ भी, मैं कुछ नहीं छेड़ता, मैं वापस अपना इंटरेक्टिव रेंडर ऑन करता हूँ, तो आप देखेंगे अपनी लाइट्स के अंदर, लाइट टैब के अंदर जाएंगे, वीरे डोम लाइट आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे एनेबल्ड है, और मैं अपना इंटरेक्टिव रेंडर वापस से ऑन कर लेता हूँ। तो अभी मेरा कुछ एंगल चेंज हो चुका है, मेरे को कुछ स्काई देखना है। तो आप देख सकते हैं मेरे इसमें बैकग्राउंड में स्काई आ चुका है, ठीक है। मैं अगर थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस यहाँ से इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं, मैं इसको 1 से 3 करता हूँ एक बार, तो आप देखेंगे मेरा स्काई तो थोड़ा सा ब्राइट हो गया है, बट मेरी सनलाइट भी और ज़्यादा ब्राइट होती जा रही है, कि ये वाइट इसको वॉश आउट करती जा रही है हमारे मॉडल को, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप एक्चुअल में मैं बताता हूँ आपको कौन सी SDRI मैथ्स आपको यूज़ करनी है। आप देखेंगे यहाँ पर SDRI टेक्सचर, यहाँ पर एक बिट मैप सेलेक्ट होती है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपको अपनी बिट मैप सेलेक्ट करनी है सबसे पहले, तो ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने ब्राउज़र में जाएंगे और आप देखेंगे कुछ साइट्स आपको मिल जाती हैं जहाँ से आप SDRI मैप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप काफ़ी इसमें वैरायटी मिल जाएंगी जो भी आपको चाहिए। इसमें इंटीरियर भी मिल जाता है आपको, मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ। इसकी काफ़ी साइट्स हैं, ये हैं SDRI हेवंस और SDRI हब, इसके बाद ये मिल जाती है आपको विज पीपल पे, और यहाँ पे SDRI मैप। आप यहाँ पे किसी में से भी एक डाउनलोड करेंगे, जैसे कि अगर मैं बाय चांस ये डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैंने क्लिक किया इस पर, और आप यहाँ पर देखेंगे इसमें वैरायटीज़ मिल जाती हैं आपको कौन से रेजोल्यूशन में डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पर अगर 2K पर क्लिक कर दूँगा, जस्ट सिंपली आपको ये डाउनलोड करके दे देगा। अभी अपनी फाइल में चलते हैं, मेन फाइल में, और यहाँ पर आप जो भी आपने डाउनलोड किए हैं SDRI मैप्स अपने अकॉर्डिंग, वो आप फाइल सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर मैंने कुछ सेलेक्ट किए थे, कुछ डाउनलोड करके टेस्ट किए थे, मैं उसमें से कुछ आपको दिखाता हूँ सेलेक्ट करके। मैं सिंपली ओपन कर दूँगा अपने SDRI मैप्स को सेलेक्ट करके, और आप देख सकते हैं हमारे मॉडल में अपडेट भी हो गया है, ठीक है। मैं इसमें बैक करता हूँ और आप यहाँ देखेंगे, तो अब क्या है कि आपकी इंटेंसिटी, एक तो ये सनलाइट जो है आपकी, ये भी 2 सनलाइट आ रही है, एक तो आपकी बेसिक वाली होती है और एक वीरे डोम लाइट। तो अभी हम अपनी जो बेसिक जो सनलाइट है वो उसको ऑफ कर देते हैं, तो अब आप एक्चुअल इफ़ेक्ट देखेंगे। तो अब क्या है, हमारी जो सनलाइट है, जो हमारी लाइट्स हैं, वो हमारी SDRI मैप से आएंगी, उसमें जैसा सन होगा वैसी ही शेडोज़ और सनलाइट आपके मॉडल में आएंगी, ठीक है। मैं अब इंटेंसिटी को अराउंड 50 कर देता हूँ अब,
तो अब आप देखेंगे काफ़ी ब्राइट हो गया है, और मैं इसको थोड़ा व्यू चेंज करता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं हमारी शैडो और लाइट्स वगैरह यहाँ पे इफ़ेक्ट्स आने लगे हैं, बैकग्राउंड भी आप देख सकते हैं। अब आप नोटिस करेंगे एक चीज़ कि हमारा जो ग्राउंड है वो ऐसा ग्रेश कलर में क्यों आ रहा है। यहाँ पर ग्राउंड एक्चुअली हमारा ग्रीन आना चाहिए था। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे स्फेरिकल, स्फेरिकल पे आपको चेक कर देना है ये बॉक्स, मैंने चेक कर दिया है। तो इससे क्या होता है, आपका ओवरऑल जो मैप होता है पूरे आपके मॉडल के अराउंड रैप अप हो जाता है, तो आपका जो ग्राउंड है वो भी आपका HDRI मैप्स का ही यूज़ होगा। अब आप देख सकते हैं आपका कितना मतलब क्लियरली ये बैकग्राउंड इतना रियलिस्टिक बना देता है आपका, जो आपकी चीज़ यहाँ पर है भी नहीं, सिर्फ फ़ोटोज़ से बना देता है। अब मैं अगर इसका कोई भी व्यू चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे जो इसमें लाइट्स इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, शेडो इफ़ेक्ट आ रहे हैं, जो बैकग्राउंड है ये सब हमारा HDRI मैप से है, क्योंकि हमने सनलाइट को ऑफ कर दिया है। ठीक है, तो जो भी इफ़ेक्ट्स आएंगे हमारे HDRI मैप से आते हैं। ठीक है, मैप चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये एक्चुअली एक इवनिंग टाइप का सीन है, तो इसमें आपको इतनी हार्श सनलाइट नहीं दिख रही है। ठीक है, मैं एक दूसरा मैप चेंज करता हूँ, बिट मैप पर सेलेक्ट करूँगा एंड ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं ओपन। तो हमारे अपडेट हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सही तरीके से सनलाइट हमारी और उसकी शैडोज़ आ चुकी हैं हमारे HDRI मैप से। एक्चुअली यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ है, मैं बैक कर देता हूँ, और हमारी इंटेंसिटी भी वही है, स्फेरिकल हमने चेक भी किया हुआ है, इसलिए हमारा एक ग्राउंड भी आ गया है। मैं थोड़ा ज़ूम करता हूँ इसको, अब मैं इसमें एक और चीज़ बताऊंगा कि अगर आपको ये सन डायरेक्शन चेंज करनी हो तो कैसे करोगे। अब भी मैंने आपको बताया था कि ये जो नॉर्थ होता है आपका, ये HDRI मैप का नॉर्थ डिफाइन करता है। तो अगर मैं इसको रोटेट करूँगा, मैंने लिया क्यू फॉर रोटेशन और मैंने नॉर्थ कर दिया इस साइड, ओके। तो अभी शायद ये अपडेट नहीं हुआ है, मेरे को दोबारा इसको ओपन करना पड़ेगा। पहले स्टॉप करता हूँ, स्टॉप हो चुका है, दोबारा से रेंडर। तो आप देखेंगे अभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। अभी मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे सेटिंग्स में, यहाँ पर आपको दिखेगा लॉक डोम लाइट। ठीक है, जब तक यहाँ पर कोई चेक नहीं किया होगा आपने, आप कितना भी रोटेट कर लेंगे अपनी इस डोम लाइट को, आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ठीक है, अभी मैं इसको सबसे पहले तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट, इसकी लोकेशन में ये था हमारा बाय डिफ़ॉल्ट, और मैं अब कर देता हूँ सबसे पहले तो लॉक, मैंने अब लॉक कर दिया है। अब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, और अब आप देखेंगे अगर मैं इसको, आप इसका साइज़ कितना भी बढ़ा सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, इससे कोई आपका फ़र्क नहीं पड़ना HDRI मैप पर। ठीक है, मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया और मैं रोटेशन टूल लूँगा और मैं अब अपना नॉर्थ को रोटेट कर दूँगा। इससे क्या होता है, हमारा नॉर्थ भी मूव हो जाता है और हमारे जो सीनरी होती है, जो सराउंडिंग्स होते हैं, वो भी मूव होते हैं साथ के साथ। मैंने जैसे नॉर्थ कुछ ऐसा कर दिया, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमारा जो है सीनरी तो चेंज हो गई है, रोटेट हो गई है। एक्चुअली में मैं थोड़ा इसको और स्काई की तरफ दिखाता हूँ। अभी मैं इसको दोबारा से स्टॉप करता हूँ और रेंडर चलाता हूँ दोबारा से, क्योंकि ये कभी कभी अपडेट नहीं होता है HDRI मैप्स के केस में, तो ये बहुत ज़्यादा ही होता है। तो आप देख सकते हैं हमारी शैडो और सनलाइट की डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं, जितना रोटेट आप करना चाहते हैं आपके जो सन डायरेक्शन है उसको मैच करने के अकॉर्डिंग आप इसको रोटेट कर सकते हैं। अब जैसे मैं दोबारा से आपको कुछ रोटेट करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे हमारा बैकग्राउंड भी रोटेट हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। अभी मेरी शैडो अपडेट नहीं हुई है, फिर से मैं स्टॉप करूँगा और फिर से रेंडर स्टार्ट करूँगा, तो अब मेरी शैडोज़ भी अपडेट हो जानी चाहिए, मेरी सन डायरेक्शन और शैडोज़ भी अपडेट हो गई हैं। तो इस तरीके से आप, अगर मैं थोड़ा ज़ूम करके आपको दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कितनी आसानी से आपने अपना बैकग्राउंड ऐड कर दिया, अपनी सनलाइट ऐड कर दी, जो रियलिस्टिक इफ़ेक्ट देंगी आपको। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने मॉडल में कोई मटेरियल भी नहीं दिया, ना मैंने ग्लास को ग्लास मटेरियल दे रखा है, सिर्फ मैंने इसमें HDRI मैप को ऐड किया और इतना रियलिस्टिक लुक देने लग गया है अभी से ही।
तो आप यहाँ से साइट से और भी साइट्स मिल जाती हैं आपको, डाउनलोड करके देख सकते हैं। इनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और अपने रियलिस्टिक व्यूज़ निकाल सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कोई भी डाउट हो। और अगर आपने डीवी स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इससे फ़ायदा आपका ये होगा, जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको तभी नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।